हाथों में मोबाइल लिए एक छोटी सी तकरीबन 7 साल की लड़की के पिता कहीं दौड़ के जा रहे होते हैं। दौड़ते दौड़ते 1 किलोमीटर दूर वो एक किनारे पे रखी नाव के पास पहुंच जाते हैं। वो अपना मोबाइल नाव में बैठे इंसान पीटर को देते हैं, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर जो ऑनलाइन लेक्चर की एप्लीकेशन होती है उसे स्टार्ट करना उस पीटर को ही आता है, उस आदमी को नहीं आता। उस ऐप में लॉगिन होने के बाद जब ऑनलाइन अटेंडेंस चल रही होती है तब वो आदमी दौड़ते दौड़ते वापस अपनी बेटी के पास पहुंचता है, ताकि उस आदमी की बेटी अच्छी तरह पढ़ सके। छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम होता है अमृता, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती एंड वही अपने पापा के लिए पूरी दुनिया होती है। बेटी की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए वो आदमी रोज 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ लगाता है। वाव, वो सीन देख के दिल से यही निकलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऋषभ शेट्टी प्रोडक्शन हाउस की 2022 के लिए ऑस्कर अवार्ड की बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में इस साल इंडिया की ओर से ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुकी है एंड ढेर सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी मूवी अलेगलु हेलिदे कथे, डायरेक्टेड बाय रघु राघवा। मूवी के नेम के मीनिंग होता है लहरें कहती है, एंड इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग देन आई एम सॉरी। एंड पूरी शॉर्ट फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में है, तो मैंने इसे विद सबटाइटल देखा है, सो आई मे बी रॉन्ग इन सम वेज। एंड जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं ये मूवी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एंड हां, अगर आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है या फिर सीसी ऑन करके आपको विद सबटाइटल मूवी देखना अच्छा लगता है, सो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मूवी की लिंक दे दी है। मैं सिर्फ वही शेयर करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट आप खुद इस मूवी को यूट्यूब पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर यू कहिए कि मैं यहाँ पे ये मूवी पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद एक बार जाके आप इस मूवी को देख लीजिएगा, आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। एंड मूवी सिर्फ 30 मिनट की है, वेरी शॉर्ट फिल्म है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। टीचर अटेंडेंस लगाती है पर अमृता ठीक से सुन नहीं पाती, क्योंकि मोबाइल का स्पीकर खराब था एंड जो हैंड्स फ्री थी वो भी ठीक से चल नहीं रही थी। उसके पापा जो बहुत गरीब थे एंड छुरिया तेज करके अपना गुजारा करते थे, अमृता ने उसकी पापा को बहुत प्यार से बोला कि पापा क्या आज मुझे आप नए ईयरफोन लाके दोगे। तब उसके पापा मुस्कुराकर हाँ कहते हैं, पर अमृता भी जानती है कि उसके पापा कितने गरीब है। वो दिन अमृता के पापा के लिए बहुत अच्छा बीता, कम से कम वो एक बार बाहर का खाना खा सकते थे एंड अमृता के लिए नए ईयरफोन्स भी खरीद सकते थे। अमृता के पापा ने ऐसा ही किया, वो मोबाइल शॉप में गए एंड उसने कई सारे ईयरफोन्स चेक किए। वो मोबाइल शॉप के ओनर के एक्सप्रेशन देखकर हम अपनी हंसी रोक नहीं सकते। 55 सेकंड्स के उसके रोल में एक अलग ह्यूमर्स है एंड इस शॉर्ट फिल्म में वो एक अलग ही कॉमिक लेवल लेकर आते हैं। एंड फाइनली वो नए ईयरफोन्स खरीद कर घर जा रहे होते हैं एंड वो बहुत खुश थे आज अपनी बेटी को नए ईयरफोन्स दिए हैं या फिर देने वाले हैं। बेटी अब से अच्छी तरह पढ़ पाएगी। रास्ते में उसकी फेवरेट होटल या फिर यू कहे कि एक ढाबा आता है, वहां वो अक्सर टीवी देखते हुए खाना खाता है। वो ईयरफोन्स कानों में लगाए हुए अपने कीपैड वाले मोबाइल में रेडियो को एंजॉय करते हुए खाना खाने लगता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सुकून था। उसके बगल में एक जेसीबी का ओनर बैठा हुआ था, वो उससे कोल्ड ड्रिंक का ओपनर मांगता है जो उस टेबल के बाजू में था, पर कानों में ईयरफोन्स की वजह से वो सुन नहीं पाता। जेसीबी का ओनर थोड़ा रूड था, उसने उस शॉप ओनर को मना किया कि वो आदमी ही मुझे ओपनर देगा। आदमी से ओपनर मांगता है, बट अमृता के डैडी के कानों में ईयरफोन्स होते हैं, सो वो सुन नहीं पाते। गुस्से में आकर वो जेसीबी वाला उसके कंधे पे जैसे ही पीछे से हाथ रखता है, वो भोला भाला आदमी जिसने पहली बार अपने कानों में ईयरफोन्स डाले है एंड लाइफ में बड़े लंबे अरसे के बाद वो खाना एंड ईयरफोन्स डाले हुए रेडियो पे गाना सुन रहा है, वो अचानक डर जाता है कि क्या हुआ, किसने ये हाथ रखा। एंड अनजाने में वो उस जेसीबी वाले आदमी को धक्का मार देता है एंड वो जेसीबी वाला नीचे गिरता है एंड गिरते हुए उसका हाथ वो छुरी तेज करने वाली साइकिल के पहिए से बनी मशीन से टकराता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, एक हल्की सी खरोच आती है, पर वो खरोच की वजह से
उस भाई साहब के हाथ में बना टैटू खराब हो जाता है। फिर क्या था, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उस मशीन को वो उठा के गुस्से से बाहर ले गया एंड अपने जेसीबी से तोड़ने की कोशिश करने लगा। पर अमृता के डैडी कुछ समझ पाते इसके पहले ये सब कुछ हो गया। वो बहुत कोशिश करते हैं कि उस आदमी से अपने मशीन को बचा ले। वो उसके पैर भी पड़ते हैं क्योंकि उस आदमी का टैटू जो खराब हो गया था, टैटू इंपोर्टेंट था, वो मशीन नहीं जिससे अमृता के डैडी की रोजी रोटी चलती थी, ऐसा वो समझता था। जेसीबी से तो अमी के पापा ने बचा लिया, पर आदमी फिर भी नहीं माना। उसने के पापा के हाथ से वो मशीन छीन ली एंड जोर से जमीन पर पटका एंड वो टूट गया। अमृता के पापा उस जेसीबी वाले के सामने बहुत गरीब थे तो क्या करते, जमीन पर बैठे बैठे उस मशीन के टुकड़ों को देख रहे थे। अभी भी उस आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था एंड वो जाते जाते कैंची से अमृता के पापा के गले में लटकते हुए इयरफोन्स को कैंची से काट देता है। कितनी मेहनत से एंड कई महीनों के बाद उस आदमी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इयरफोन्स खरीदे थे वो भी नहीं रहे एंड अपनी रोजी रोटी का वो मशीन भी नहीं रहा। अमृता के पापा वो टूटे हुए इयरफोन्स को देख रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे पर वो बेबस थे, क्या करते। घर पे अमृता अपने पापा को कहती है कि पापा क्या आज भी आप नए इयरफोन्स नहीं लाए। तब वो बेचारे क्या कहते, वो शांत रहे, उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मशीन रिपेयर करने लगे। कहते हैं कि हर एंड एक नया स्टार्टअप लेकर आता है। वो फिर से उसे रिपेयर करने लगते हैं। इस बार कुछ अलग करते हैं, कुछ वायर्स एंड छोटी छोटी लाइट्स लेकर वो मशीन को फिर से रिपेयर करते हैं। हमें लगता है कि वो मशीन को सिर्फ रिपेयर कर रहे होते हैं, पर वो अपनी बेटी के लिए उस टूटे हुए मशीन से एक जगमगाती हुई लाइट्स वाला एंड पटियों वाला एक खिलौना बनाते हैं। अपने मशीन को वो इलेक्ट्रिक स्विच वाला बेहतरीन मशीन बना देते हैं। मूवी खत्म होते होते हमारे चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। व्हाट अ फिल्म। मैं ऋषभ शेट्टी जी की एंड इस फिल्म के मेकर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा एंड मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की ये फिल्म इस बार ऑस्कर अवार्ड जरूर जीते। जय हिंद दोस्तों।